अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके साथ जो टॉपिक है वो टॉपिक है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। ये एलिजाबेथ सीवल ने लिखा है। ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी, दिलचस्प पोइम है जिसको आप उम्मीद है समझ जाएंगे जब आपके सामने पेश की जाएगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो जाएगा। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोड आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं। शायरा नए साल का इस्तकबाल गैर रवायती अंदाज से करना चाहती है। आम लोग नए साल के मौके पर मुख्तलिफ किस्म की खुशियां मनाते हैं, पुरमसरत तकरीबात का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन शायरा नए साल के मौके पर अपनी रूह को गुनाहों की गंदगी से पाक करना चाहती हैं। वो दुनिया के शोरगुल से दूर रहकर कुछ गौर व फिक्र करना चाहती है, और इस गौर व फिक्र में वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करती है। वो माजी में किए गए मुख्तलिफ कामों का जायज़ा लेती है, वो अपने गुनाहों को याद करती है, अपनी रूह का एहतसाब करती है। वो दिन में दो दफ़ा अपने आप को याद दिलाती है कि वह कौन है। बहुत अच्छी बात इसने की है कि कोई भी शख्स है ना, वो दिन में एक दो मरतबा अपने आप को याद किया करे कि वो कौन है और कहाँ से है और क्या करना चाहता है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या, उसके फ़राइज़ क्या हैं। तो आगे देखते हैं इसके क्या फ़राइज़ और क्या ज़िम्मेदारियाँ, जैसे कि पीछे बात हो चुकी है। इस तरह वो माशरे के एक शहरी के तौर पर अपने फ़राइज़ में गफलत और कोताहियों का जायज़ा लेता है। इस तरह से वो ज़ेहन और ज़मीर को गुनाहों से पाक करती है। रात के वक़्त एक दफ़ा फिर वो ज़िंदगी के तलख हकायक का सामना करती है। हकीकत और सच्चाई का सामना करने के लिए इंसान के पास शेर का जिगरा होना चाहिए। शायर नहायत जुरत के शायरा, आई एम सॉरी टू से दैट्स द राइट्स